तो चलिए आज बनाते हैं स्पेशल माता के भोग की थाली, जिसमें है भंडारे वाले आलू, चने और हलवा और पूरी, जिसे आप मिनटों में बना के रेडी कर लेंगे। कुछ प्रिपरेशन के साथ अगर हम इसे बनाएंगे तो हमारा काम बहुत जल्दी और झटपट हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बढ़िया चने हमारे बनके रेडी हुए हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे रात भर चनों को भिगो के रख लिया था। पहले से ही अच्छे से साफ करके रख लीजिए, जो कि वही पानी हम कुकर में ऐड कर ले, क्योंकि ये पानी बहुत ही प्रोटीन है, विटामिन है इसमें, तो इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। वही पानी हम कुकर में ऐड कर लेंगे और इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक लगभग नमक, क्योंकि हम छौंकते समय भी इसमें नमक ऐड करेंगे। तो अभी मैंने 1 से 1.5 चम्मच ही नमक इसमें ऐड किया है और 1 चम्मच इसमें मैं ऑयल ऐड कर लूँगी। जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो वो ऐड कर लीजिए और इसे मैं चढ़ा दूँगी गैस पे। इधर मैंने चने बॉईल करने रख दिए थे और दूसरे कुकर में मैं यहाँ पे 750 या 1 किलो लगभग मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल करने रख दिया है। जितने आलू है उतना ही पानी मैंने इसमें रखा है और इसे मैं गैस पे चढ़ा दूँगी। एक कुकर में मेरे आलू बॉईल हो जाएंगे और एक में चने, तो तब तक ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं और हरी मिर्च और कुछ लाल मिर्चों को पानी में भिगो के रख लूँगी और इनकी बना लेंगे ग्रेवी। यहाँ मैंने टमाटर हरी मिर्च डाल दी है और भीगी हुई लाल मिर्च को भी इसमें ऐड कर दिया है और इसका एक ग्रेवी बना के पेस्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं, इन्हें निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तब तक आटा गूंद लेते हैं। आटे में मैंने यहाँ पे अजवाइन क्रश करके ऐड कर लिया है 1 से 1.5 चम्मच और ऐड कर दूंगी यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक। अब ऐड कर दूंगी 4 से 5 चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल का यूज़ करूँगी, मैंने सरसों के तेल का ही यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और बाद में पानी के साथ इसका एक आटा रेडी कर लेंगे, डो रेडी कर लेंगे। बहुत ये देखिए पूरी के लिए आटा थोड़ा टाइट ही होता है और हल्का सा ऑयल और लगा के, जो कि ये सूखे नहीं आटा, तब तक हमें और काम कर देंगे। तब तक इस आटे को रेस्ट पे छोड़ देंगे, कवर करके रेस्ट पे छोड़ दीजिए। अब हम कर लेते हैं हलवे की तैयारी। यहाँ मैंने सूजी ली है, एक कटोरी से ज़्यादा ही है ये देख लीजिए, तो उसी के हिसाब से हम अपनी और चीज़ें लेंगे। यहाँ मैंने काजू और किशमिश इसमें ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है तो डालिएगा। और यहाँ मैं सूजी मेरी 1 कटोरी से ज़्यादा ही है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पानी ऐड कर लूँगी। तो 1 कटोरी से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 4 कटोरी यहाँ पानी ऐड कर लूँगी, नहीं तो जितनी कटोरी हमारी जितनी सूजी होती है तो उसका 3 गुना हमें पानी लेना होता है। यहाँ मेरी सूजी थोड़ी ज़्यादा थी, 3.5 या 4 लगभग मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और यहाँ मैंने जितनी सूजी थी उतना ही मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर ली है, यानी 1 कटोरी चीनी ऐड करके उसे गैस पर चढ़ा दिया जो कि वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ मैंने घी ऐड कर लिया है, तो 1 कटोरी लगभग ही मैं यहाँ पर घी ऐड किया है, थोड़ा सा घी बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मेरा घी मैंने मेल्ट हो चुका है, तो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। काजू को हल्का सा रेडस एक कलर आ जाए, हमारे हल्के से रोस्ट हो जाए, तो उन्हें जैसे ही रोस्ट हो जाए उन्हें निकाल दीजिए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी किशमिश। किशमिश को ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। थोड़ी ही देर रखने के बाद इन्हें निकाल लीजिए। फ्राई करने के बाद इनमें एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो अब बचे हुए घी में मैं यहाँ पर सूजी ऐड कर ली है। सूजी जल्दी से सारे घी को अब्जॉर्ब कर लेगी और देखिएगा अभी सारा ही घी बिल्कुल फिनिश हो चुका है। यहाँ पानी हमारा पानी चीनी मेल्ट हो चुकी है पानी में, बस हमें वही चाहिए, गैस मैंने बंद कर दी है। सारा घी अब्जॉर्ब कर लिया है सूजी ने और जैसे जैसे घी हमारी भुनने लग जाएगी तो ये घी हमारा छोड़ने लग जाएगी। ये देखिए तले पर घी आने लग गया है, बस आपको पता चल जाएगा कि आपकी सूजी भुन चुकी है। 7-8 मिनट आपको लग जाते हैं, हार्डली 10 आपको मिनट लग जाते हैं इसे फ्राई भुनने में, सॉरी सूजी को भुनने में। और ये देखिए बीच में हमारा घी आने लग गया है, इट मीन्स हमारी सूजी भुन चुकी है। तो थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं, बस इतने ही आपको पता चल जाएगा। जैसे ही घी बीच में आ जाएगा, सूजी ने घी छोड़ दिया है, इट मीन्स हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है। देखिए साइडों में आपको घी नज़र आ रहा होगा, सूजी बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन चुकी है। बस इसी समय हम इस पानी को इसमें ऐड कर लेंगे, जिसमें हमने चीनी को मेल्ट करके रख लिया था गर्म पानी को। तो अच्छे से ये मिनटों में बनके रेडी हो जाएगी और इसमें अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी और इसे अच्छे से चला लीजिए और कवर करके छोड़ दीजिए 5 मिनट के बाद ही। देखिए आपकी सूजी कितनी ठीक हो चुकी है, एक बार और हम चला लेंगे, जो भी सूजी का दाना अगर रह गया होगा तो वो भी फूल जाएगा। सूजी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी फूल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं 1 चम्मच लगभग यहाँ पे घी ऐड कर देती हूँ,
और इस समय आप घी डालेंगे तो घी आप सूजी का टेस्ट बहुत ही औसम आता है, क्योंकि सूजी में अगर घी अच्छा सा डला हो तो सूजी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी देर मैंने और करके कवर करके छोड़ दिया था। अब बचे ड्राई फ्रूट्स भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, गार्निशिंग कर दूंगी ड्राई फ्रूट से। बहुत ही लाजवाब सा हमारा हलवा बन के रेडी है। ये देखिए हलवा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए कर देते हैं इसे साइड में, हम कर लेते हैं छोलों की तैयारी। छोले हमारे अच्छे से एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं चने हमारे अच्छे से गले हैं या नहीं। तो स्पून से मैं एक बार निकाल के देख लूँगी छोले हमारे किस तरीके से गल रखे हैं। तो एक मैश करके देखती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट एकदम हो चुके हैं। तो बस यही चाहिए और पानी हम निकाल लेंगे। पानी को हम किसी सब्जी में यूज़ कर लेंगे, बस चने ही निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी रखा है मैंने इसके अंदर, चने निकाल के रख लिए हैं। तब तक एक मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें सबसे पहले मैं ऐड कर लूँगी नमक। बहुत ही लाजवाब से आपके चने ये बन के रेडी होंगे माता के भोग के लिए। एक चम्मच मैंने यहाँ नमक ऐड किया है, क्योंकि बॉईल करते समय भी मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया था। और 2 चम्मच लगभग मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। धनिया पाउडर से ही इसमें जो मसाला बनेगा उसकी कोटिंग होगी। और यहाँ आमचूर पाउडर ऐड किया है, और ऐड किया है यहाँ पे मैंने सॉल्ट पाउडर। यहाँ मैं सॉल्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। सॉल्ट पाउडर डालने के से हमारे छोलों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आ जाता है। और यहाँ 1/2 स्पून मैंने यहाँ पे लगभग मिर्ची का यूज़ किया है, लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आप तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा और डाल दीजिए, लेकिन ये बच्चों के लिए बन रहा था तो मैंने 1/2 स्पून ही मैंने यहाँ मिर्ची का यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें ऐड कर देंगे हम जीरा। जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा इस मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। सारा मसाला एक साथ मत डालिएगा, मैं थोड़ा सा हम बचा लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच लगभग मैंने पे डाल दिया है और थोड़ा बचा लिया है। जैसे ही मसाला ऑयल में भुन जाए थोड़ा सा इसे कड़छी से चला लेंगे, जले नहीं मसाला। तो इस तरीके से चला लीजिए। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी छोले। छोलों में जो पानी है वो थोड़ा ऐड कर देना है। बाद में हल्का सा घुमाते हुए बाद में सारे इसमें ऐड कर देंगे हम, और अच्छे से इन्हें कर देंगे मिक्स चनों को। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके ये बन के रेडी होंगे माता का भोग का प्रसाद। और अभी आपको ये पानी दिख रहा होगा कि एक्सेस है। जैसे जैसे ये हमारे चने सॉफ्ट होंगे, पान चने के साथ पकेंगे, इस मसाले का जो टेस्ट है वो चनों के अंदर आ जाएगा। और बाकी मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए पानी कितना है, जितना चने हैं उतना ही मैंने यहाँ पे पानी रखा है, एक्सेस पानी नहीं रखा है। तो आप इसे थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, लेकिन पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा, जिससे कि चने मसाले को सोख लेते हैं अंदर तक, इनका टेस्ट छोलों में चने में चला जाता है। तो इसे मैं कवर करके छोड़ दूँगी। तो 5 से 7 मिनट के बाद एक बार इसे चेक कर लेते हैं। और यहाँ देखिए एक अच्छे से बॉइलिंग आ चुकी है, और इनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक बार, ऊपर नीचे कर लीजिए, जो कि सारे चने एक साथ हो जाए, मसाले की कोटिंग सभी चनों में हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद फिर से इसे कवर करके छोड़ देंगे। आप देखेंगे मिनटों में ये पानी सूख गया है। बहुत ही लाजवाब से आपके चने बन के रेडी हो जाएंगे। तो एक बार कवर करके देख लेते हैं। मैंने थोड़ी देर से कवर करके देख छोड़ दिया था, और फिर चेक कर लेते हैं। और देखिए काफ़ी हद तक इसकी जो ग्रेवी थी वो सूख चुकी है। थोड़ा सा और इसको सूखने देंगे। इससे क्या होता है कि आपके जो चने हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और सारे चने मसालों की कोटिंग हो जाती है चनों में। तो थोड़ी देर इसे मैं फिर से कवर करके छोड़ दूंगी, जिससे कि सारे मसाले इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए। तो यहाँ मैंने इसे कवर करके छोड़ दिया था, और अब देख लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया आपके छोले बन के रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। मसाला हर चनों ने अपने अंदर ले लिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मसालेदार छोले बन के रेडी हैं। तो इन्हें कर लेते हैं साइड में। हमारे हलवा चने बन के रेडी हैं। अब कर लेते हैं भंडारे वाले आलू की तैयारी। यहाँ मैंने ऑयल रख लिया है गैस में, सरसों का तेल लिया है 1 कड़छी लगभग मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ऐड किया है। उसमें ऐड कर दिया जीरा,
कुछ तैयारी अगर पहले से रखी हो करी हो तो हमारी मिनटों में चीज़ें बनके रेडी हो जाती हैं। और 3 से 4 यहाँ पे मैंने लाल मिर्च तड़के में ही ऐड की है। अब जो ग्रेवी हमने पहले ही बना के रखी थी वो ग्रेवी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से कर देंगे इसे मिक्स। मिक्सर जार में जो पेस्ट बचा हुआ है उसमें करेंगे हम पानी ऐड इसमें और थोड़ा सा इसे चला लेंगे करछी से। यहाँ मैं ये मसाला कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पतीले में कैमरे का फोकस नहीं हो रहा था। बाद में इस मसाले को, इस ग्रेवी को मैं पतीली में ट्रांसफ़र कर दूँगी। पहले मैं मसाला इसे यहाँ पे बना लेती हूँ। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपके झटपट मिनटों में आपकी माता के भोग की थाली तैयार हो जाएगी। और यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया है, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ नमक ऐड कर लीजिए। और कर लेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड, थोड़ी सी ग्रीन चिली, कहते हैं हमने ग्रीन चिली और रेड चिली उसमें ग्रेवी बनाते समय ऐड की थी तो रेड चिली मैंने यहाँ पे कमी डाली है। तो धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट पाउडर। अगर आपके पास ग्रेवी टाइम आप अदरक डाल दें तो आपको सॉल्ट पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं अदरक ऐड नहीं किया है तो मैं यहाँ पे सॉल्ट पाउडर का यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे मिक्सर जार में जो ग्रेवी बची थी वो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ये थोड़ा सा बॉइलिंग आ जाए इसमें ऐड कर दूँगी मैं सॉल्ट पाउडर। अगर आप पहले ही अदरक ऐड कर चुके हैं तो यहाँ सॉल्ट पाउडर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने अदरक ऐड नहीं किया था तो मैं यहाँ पे सॉल्ट पाउडर ऐड कर रही हूँ। नहीं तो आप ग्रेवी बनाते समय अदरक ऐड कर दीजिएगा। और इसे फिर से मैं कवर करके छोड़ दूँगी जो कि अच्छे से सॉल्ट पाउडर भी हमारा मसाले के साथ कुक हो जाए। तो ये देखिए हमारा ग्रेवी बनके रेडी है, ऑयल सा फेस पेस आ गया है। इट मीन्स हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो चुकी है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ पतीले में क्योंकि इसमें तो बनना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पतीली में सारी ग्रेवी ट्रांसफ़र कर दी है। अब इसमें मैंने ऐड किया है जो कढ़ाई में हमारा लगी थी ग्रेवी, उसी में मैंने पानी ऐड कर दिया था और वही पानी थोड़ा सा गर्म करके मैंने इसमें ऐड किया है। गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा क्योंकि एक बार ग्रेवी हमारी बन के रेडी हो चुकी है तो अगर आप ठंडा पानी ऐड करेंगे तो वो हमारी ग्रेवी एक सार नहीं बनेगी, बहुत ही पतली पतली सी बनेगी, थिकनेस नहीं होगी। तो यहाँ कवर करके छोड़ दूंगी। और यहाँ मैंने आलू को इस तरीके से हाथों की सहायता से ही इस तरीके से तोड़ लिया है। कोई भी चाकू से नहीं कट करना, बस हाथों से ही अनिवन आपको तोड़ने हैं ये आलू। उसके बाद इन आलू को मैं अब इस ग्रेवी में ऐड कर लूँगी। तो सारे ही आलू मैं इस ग्रेवी में ऐड कर लेती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी हमें ग्रेवी बढ़ाने की तो मैं इसमें गर्म पानी ही ऐड करूँगी, लेकिन यह हमारी ग्रेवी बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल बढ़िया है। तो इसे कवर करके छोड़ देती हूँ कुक करने के लिए। और थोड़ी देर के बाद एक बॉइलिंग आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया हमारे भंडारे वाले आलू बनके रेडी हैं। एक दो बार इसे चला लेते हैं और फिर से 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी जिससे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो जाए, बॉइलिंग आ जाए। तो अब देखिए हमारे भंडारे वाले आलू भी रेडी हैं। तो इस तरीके से आप मिनटों में इस थाली को रेडी कर सकते हैं। अब कर लेते हैं हम पूरी की तैयारी। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी थी तो यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है। पूरियाँ मैंने छोटी-छोटी पूरियाँ बेल ली थी, जैसे ही पूरी को ऑयल में ऐड करेंगे उस टाइम नहीं छेड़ना है, जैसे ही पूरी ऊपर आ जाए उस पर करछी का हाथ देते हुए इसे पूरियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। तो बस इस तरीके से चने हलवा और भंडारे वाले आलू हमारे बनके रेडी हैं। तो ये माता के भोग की थाली आपकी 30 मिनट्स में बनके रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मिनटों में प्रसाद रेडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ।